गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों के लिए क्लास 11 की मैथमेटिक्स लेकर उपस्थित हुए हैं। कक्षा 11वीं की जो गणित आपकी चल रही थी, पहला चैप्टर सेट थ्योरी पढ़ा रहे थे, समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय सिद्धांत के टॉपिक से आप लोगों से हम बात करते हैं, उसमें आपका पार्ट नंबर 4 लेकर उपस्थित हुए हैं। पार्ट नंबर 5 लेकर के उपस्थित हुए हैं हम। तो इसमें आज आपको बताएंगे कि सेट की जो डिफरेंशन आपको बता रहे थे, आपके पास में दो सेट हैं, एक सेट ए हो और एक सेट बी हो, तो सेट ए में पाए जाने वाले जो अवयव हैं वही सेट बी में भी उपस्थित हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ, जो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि ए में जो अवयव हों वही अवयव आपके बी में भी पाए जाते हों। कह सकते हैं कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए के अवयव हो। तो इस प्रकार के समुच्चय को इक्वल समुच्चय या समान समुच्चय कहते हैं। जरा समझें, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बताते हैं। जैसे अगर आपके सामने लिखा है कि यक्स एक्स आपके पास सेट है, यक्स -2x-48=0। कह सकते हैं कि x बिलोंग कैपिटल I, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक आपके पास में एक दूसरा सेट है जिसमें दे रखा है, इसमें अवयवों की संख्या आपको दे रखा है 6 और 8। या तो हम कह सकते हैं साथियों, आपके पास में एक सेट है मान लीजिए C, ठीक, एक सेट है, उसमें कह सकते हैं x such that x2+5x+6=0 और कह सकते हैं x belong i। और एक सेट ले सकते हैं D, उसमें कह सकते हैं कि 3,2। अब जरा से समझिए इसकी भाषा को भी। यहाँ पे लिखा है x2-2x-48, इसमें दो अवयव दे रखे हैं, एक 6 है और एक 8। तो कह रखा है कि x2 एक ऐसा अवयव है कि x2-2x-4x का जो गुणनखंड होगा उनमें पाए जाने वाले तथ्य अर्थात अवयवों की जो संख्या है बी में पाए जाने वाली अवयवों की संख्या की क्या है, इक्वल है अर्थात सेम है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए यहाँ पे, तो जो आपको दे रखा है इधर x2-2x-48=0, अगर इसे हम हल करने की अगर प्रक्रम पे आ जाएं, तो साथियों 48 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना आए, 2 आए। तो हम जानते हैं 8×6=48 होता है, और 8 में से 6 को घटा दें तो हो जाएगा 8-6, बगल में क्या लिखा है x-48=0। तो यहाँ लिख सकते हैं x2-8×8x+6×6x-48=0। जरा से इसमें कॉमन बना दें, क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन होगा x होगा, यहाँ x-8 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में 6 कॉमन होगा, x-8 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये दोनों सेम हैं, इनको एक ब्रैकेट में करते हैं। तो चलिए साथियों कर लेते हैं इनको, तो ए हो जाएगा x-1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा x+6, ठीक है, x+6।
अब जरा सा इनमें अवयवों की संख्या ज्ञात करते हैं तो इनमें जरा सा कुछ गलत लिखा हुआ है। गलत ये है कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, है ना। अब क्या करेंगे, यक्स माइनस एट जो है, यक्स माइनस एट जो है जीरो के इक्वल है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एट। अगर इसको करेंगे यक्स प्लस छः बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना आएगा माइनस छः, है ना। तो इसमें दो अवयव अर्थात ए के दो अवयव पाए गए, कौन कौन, ए में आपका आया कौन आठ और कौन माइनस छः, और बी में भी तो वही था, बी में थे ना, तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए के एलिमेंट जो है नंबर ऑफ बी के एलिमेंट के इक्वल है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ समान समुच्चय में दो समुच्चय बी इस प्रकार हों कि ए के सभी अवयव बी में हों और बी के सभी अवयव ए में हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों किसके सभी अवयव आपके बी में पाए जा रहे हैं और ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के सभी अवयव ए में हैं। ये कौन सा सेट होगा, समान समुच्चय। जरा अगले एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छः का अगर करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छः का जब मल्टी गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड में इसमें से तीन और दो पाए जाएंगे जो कि डी में है, तो सी के भी वही अवयव होंगे, अर्थात सी के जो अवयव होंगे कौन होंगे तीन और कौन दो कामा तीन या तीन कामा दो, तो वही आपके बी डी के एलिमेंट है। तो कह सकते हैं कि ये कैसे समुच्चय हैं, समान समुच्चय हैं। तो साथियों ये आशा करते हैं कि समान समुच्चय आपको समझ में आया होगा। हम आगे की सेट के बारे में बात करते हैं, तो आगे के क्रम में हम बात करते हैं आप लोगों से नोट के। तो अभी आपको तुल्य समुच्चय और समान समुच्चय पढ़ाया गया था, तो तुल्य समुच्चय और समान समुच्चय में कुछ डिफरेंसेस होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं साथियों। तो चलिए एक चीज ध्यान रखना, जो आपने पढ़ा है समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय के बारे में आपने पढ़ा है, तो ध्यान रखना साथियों कि जो सभी समान समुच्चय जो होते हैं, सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ए नोट नंबर फर्स्ट पे हम चर्चा करते हैं, ध्यान रखना सभी जो समान समुच्चय होते हैं, सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं, तुल्य समुच्चय, सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ध्यान रखना साथियों, नोट नंबर सेकंड की बात करते हैं, नोट नंबर सेकंड, ये समझ में आया होगा कि सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते। नोट नंबर सेकंड की हम बात करते हैं, जैसे आपके पास में तीन समुच्चय हो, ए बी और सी, ए बी और सी हो, तो हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में, यदि तीन समुच्चय, यदि कितने समुच्चय, यदि तीन समुच्चय, यदि तीन समुच्चय ए बी और सी हों, ए बी और सी हों, और उसमें जो आपका सेट ए है, ए जो है वो बी के बराबर हो और बी जो है वो सी के बराबर हो। ध्यान रखना यदि अगर आपके पास में तीन समुच्चय ए बी और सी हो और उसमें ए जो है बी के बराबर हो और बी जो है सी के इक्वल हो, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है साथियों, यदि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा क्या कि ए जो है सी के इक्वल होगा, क्योंकि ए ही तो बी के इक्वल था, अर्थात बी के ही एलिमेंट तो सी के इक्वल है। तो कहने का तात्पर्य है कि सी जो है ए के क्या होगा, इक्वल होगा, अर्थात कुल मिलाकर के कह दिया जाए तो अर्थात इसमें कह सकते हैं कि ए जो होगा वो सी के क्या होगा, इक्वल होगा, इसका यही निष्कर्ष निकलेगा। ध्यान रखना साथियों फिर से, यदि तीन समुच्चय ए बी और सी इस प्रकार हों कि ए के एलिमेंट बी के इक्वल हों और बी के एलिमेंट सी के इक्वल हों, तो हम कह सकते हैं कि ए जो होगा सी के क्या होगा, इक्वल होगा।